उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने आवास शहर गोरखपुर में है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को मंदिर परिसर में जनता दरबार लगाया, जिसमें गोरखपुर, सहजनवा, बांसगांव, खलीलाबाद सहित विभिन्न क्षेत्रों के लोगों ने अपनी समस्याओं को सीएम से अवगत कराया। मंदिर परिसर में शिकायतकर्ताओं की लंबी कतार देखने को मिली। लोग सुबह से ही लंबी लाइनें लगाकर अपनी बारी का इंतजार करते रहे। जनता दरबार में आई शिकायतों को सुनकर सीएम ने कई मामलों का मौके पर निस्तारण किया तथा कई अन्य मामलों को संबंधित अधिकारियों के हवाले सौंप दिया। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए शिकायतकर्ताओं ने अपनी समस्याएं कुछ इस तरह बयां की। अवेलेबल नहीं है ये नंबर पर, जी जी आप कर रखा होगा। अरे तो भाई अभी पूरे सामने मिला रहे हैं, जब नहीं मिला तो ब्रो क्या नाम है पंडित जी आपका? स्वामी शंकरानंद। कहाँ से आए हैं आप? नवतनवा जनपद महाराज। क्या समस्या लेके आए हैं आप? हम लेके आए हैं कि हमारे यहाँ मंदिर पे लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है, तो लाइट के लिए समस्या है। जिला और तहसील तक सभी अधिकारी को अवगत कराए और लाइट लगाने में लोग कोई रुचि नहीं ले रहे हैं, ना लाइट लगवा रहे हैं। क्या दिक्कत आ रहा है इससे? लाइट, मंदिर पे लाइट होनी चाहिए ना कि नहीं होनी चाहिए? अगर ना मंदिर पे लाइट हो तो ना लगवाया जाए, अगर मंदिर पे लाइट या मस्जिद पे लाइट की जरूरत है तो लाइट लगवाया जाए। तो यहाँ महाराज जी से क्या कहने आए हैं? लाइट लगवाने के लिए। क्या समस्या है आप? सर, गांव सभा की जमीन है और उसमें सरकारी हैंडपंप लगा था। एक दबंग किस्म का आदमी है, वो जमीनियाँ घेर लिया, हैंडपंपा उखाड़ लिया, हैंडपंपा उखाड़ के अपना हैंडपंप लगा दिया। हम लोग जाते हैं जब तो गाड़ी देकर खदेड़ देता है। हम लोग बहुत शिकायत किए थाना दिवस में, महाराज जी को 7-8 एप्लीकेशन दिए हैं, देखिए सब रखे हैं, लेकिन हमेशा निराशा हाथ लगता है। यशो साहब जाते हैं, दरोगा जी जाते हैं, कोई कार्रवाई नहीं। तो आज में आपका? हमारा नाम सुबेदार तिवारी है। कहाँ से आए हैं आप? हम यहीं गोरखपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्र से आए हैं। क्या दिक्कत है, क्या समस्या लेकर? समस्या ये है कि आयुर्वेदिक चिकित्सा शिक्षा में जो है बहुत जो है निम्न स्तर की वो है, मानक के अनुसार कहीं शिक्षा नहीं हो रही है। मिर्जापुर में लड़का हमारा पढ़ता है और वहाँ पे उत्पीड़न शोषण हो रहा है। प्रथम वर्ष में ही द्वितीय वर्ष का फीस भी जबरदस्ती लिया जा रहा है और कोई जो है अधिकारी आगे तक सुनने।